फ्रेंड, आलू की तो आप लोगों ने बहुत सारी रेसिपी बनाए होंगे और खाए होंगे, पर आज मैं आप लोगों के साथ आलू की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल 5 मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाना तो बिल्कुल ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे साइज़ के आलू लिया है। आलू को ना अच्छी तरह से छिलके उतार के उसे अच्छी तरह से धो लिया है। और ध्यान रहे फ्रेंड, हमें बिल्कुल छोटे छोटे साइज का आलू लेना है, बड़े आलू का हमें यूज नहीं करना है। और उसके बाद ना उसे ऐसे स्लाइसेस में कट करना है, गोल गोल मतलब स्लाइसेस में कट कर लेना है। ये ज़्यादा ना हमें मोटे नहीं कट करना है, बिल्कुल मीडियम हो चाहिए ना, ही ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला। तो सारे आलूओं को ना ऐसे ही कट करके रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद अब बारी आती है, हमें चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने ना एक पैन में ना सरसों का तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया था, और वो जब अच्छी तरह से गरम हो जाए ना, तो ये जो आलू हमने कट करके रखा था ना, ये सारे आलूओं को उसमें डाल देना है। और डालने के बाद उसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारा आलू बिल्कुल पक चुका है, हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है, यानी यह पक चुका है। तो अब क्या करना है, इसे ना ऐसे ही मतलब इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। तो सारे को ऐसे करके ना एक प्लेट में निकाल लेना है। तो सारे आलूओं को ऐसे निकाल लिया है, ज़्यादा पका नहीं, 50% ही पका है। तो थोड़ा इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। तो सेम पैन है, उसी में ना हमें 3 से 4 रेड चिल्ली लेना है, और उसको भी थोड़ा सा ऐसे पका ले, मतलब 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते हुए इसे ऐसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद उसे निकाल लेना है और इसे रख देना है साइड में। और जो तेल बचा था ना, उसी में हमें 1 चम्मच के बराबर ना हमें जीरा डालना है और उसे क्रैकल होने देना है। जब तक वो क्रैकल हो जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से हमने हरे प्याज लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। और उसको भी यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है ताकि इसमें कच्चापन है और थोड़ा सा मतलब दूर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ना एक छोटे साइज का टमाटर लिया है, उसको भी इसी में डाल देना है। और डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से पका लें। जब अच्छी तरह से एक ये जब अच्छी तरह से पक जाए ना, तो उसके साथ यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालें। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़े से हल्दी पाउडर डाल दें। और डालने के बाद अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लें। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो जो हमने आलू को हाफ फ्राई करके रखा हुआ था ना, अब उसको भी इसी में डाल देना है। और डालने के बाद अब इन सभी चीज़ों को ना चलाते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे भून मतलब फ्राई करना है। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो जो हमने रेड चिल्ली को फ्राई करके रखा ना, उसके हाथों से थोड़ा सा तोड़ के उसको भी इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो जल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसके साथ ही इसमें जाएगा, थोड़े से रेड चिल्ली पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। और जब ये पक जाए ना, तो जब ये पक जाए, तो इसी के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, उसको भी इसी में डाल देना है। और डालने के बाद इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो हमारे आलू की सब्जी यानी भुजिया रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारी ये आलू की भुजिया की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।